नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गिनती से पहले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने लगता है अपनी हार मान ली है। अब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, मगर कुछ समाजवादी नेता अभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने की बात कर रहे हैं। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, दो दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। क्या आप बाकी चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश? 100%। एक आखिरी सवाल सर, कि जो जिस तरह से कहा अखिलेश जी ने कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन, अखिलेश जी ने ये भी कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत पर आश्वस्त है और अब वो कह रही है समाजवादी कांग्रेस अब बहुजन समाज पार्टी को साथ लेने का जुगाड़ बना रही है। अब उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार बनेगी या बीजेपी की, या कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लोग विकास के और सुशासन के लिए उन्होंने वोट दिया है और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर जो है सुशासन और विकास के लिए लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसलिए जो लोग अभी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार का सपना देख रहे हैं, तो जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी बीजेपी को सरकार से बाहर रखने के लिए तो वो मायावती के साथ। देखिए, अब जुगाड़ की सरकार बनाने की जो लोग सपने देख रहे हैं वो सपने के सपने ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी को चुनाव से पूर्व इस बात का आभास था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, और पूर्ण बहुमत का कोई मुख्यमंत्री बैसाखियों के सारे जब सत्ता में वापसी का जुगाड़ लगा रहा हो, आप एहसास कर सकते हैं कि उनको पूरी तरह से दीवार पर अपनी पराजय दिखाई दे रही थी। और अब जिस तरह से अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, उसी से उनके अंदर इतनी बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है कि अब वो बुआ जी के साथ भी गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए अमित महाजन की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।